नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए ये फ्रेश अपडेट मैं करने जा रही हूँ। एंड जब तक मैं एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आपको अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस करना है। 3 बार उनका पूरा नाम आपने अपने मन में रिपीट करना है टू टैप इनटू देयर एनर्जी। और आज आप लोगों के लिए मेरे हाथ में जो है इंट्यूटिवली मैंने पिक करी है ये रेड कैंडल। सो जिनकी बातचीत नहीं हो रही है उनके लिए स्पेसिफिकली ये टाइमलेस और जनरल गाइडेंस होने वाली है। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस सेशन। रीडिंग के दौरान अपने पर्सन का चेहरा जो है आप डिविनेशन बाउल के अंदर भी विजुअलाइज कर सकते हो। ऑल्सो हम लोग ओरेकल कार्ड से भी रीडिंग करेंगे और देखेंगे क्या मैसेजेस जो है वो आ रहे हैं आप लोगों के लिए। सो महादेव का नाम लेकर के आज का जो हमारा डिविनेशन सेशन है इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस लाइट द कैंडल एंड लेट सी कि जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आज के दिन में आपके टूवर्ड्स कैसे हैं। इस इंसान के चेहरे के ऊपर लगातार अपना फोकस बनाए रखें जिनसे भी आपकी बातचीत नहीं हो रही है। और मुझे पहले ही यहाँ पर एक्चुअली 3 सिंबल्स मिल गए हैं शुरुआत में ही। आई कैन सी समवन जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, कुछ डिसाइड नहीं करना चाह रहे हैं, और जो जैसा चल रहा है बस उन्होंने ऐसा लग रहा है कि उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है और कुछ भी बदलाव करने के मूड में ये पर्सन मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी हो सकती है। अगर आप लोगों की सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है तो ये थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है, बट जहां तक मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों के लिए ये सामने वाले पर्सन की एनर्जी ही होगी। अल्फाबेट नेम इनिशियल ई और एफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सी भी दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो कि ओवर थिंकिंग के लूप में फंसा हुआ है और बहुत ज्यादा परेशान है चीजों के बारे में सोच सोच करके, या फिर बहुत लंबे समय से ये जो साइकिल है ये खत्म नहीं हो रही है। दोनों लोग एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, यहाँ पे दो लोग दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे को इंटरनेट के माध्यम से जिनकी स्टॉकिंग चल रही है, स्टॉक कर रहे हैं एक दूसरे को बहुत ज्यादा, और माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज को लेकर के, माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं। एनर्जी स्कैटर हो रही है बहुत ज्यादा, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं लेकिन इमेच्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। चीजों को सुधारने की बजाय अपना ईगो दिखा रहे हैं या सी नेगेटिव, यहाँ पे ये ब्लैक सूट जो है वो आने लगा है। ईगो दिखा रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा। एंड ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये एक तरीके से ब्लेम गेम खेल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो है वो ब्लेम गेम खेल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं या मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको मूव ऑन नहीं करने दे रहे हैं। कई लोग ऐसे साइकिल में फंसे हुए हैं कि जैसे ही आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हो ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। सी देर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी आज की रीडिंग में। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। महादेव प्लीज रक्षा करें और प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पैशन तो बहुत है एक दूसरे के टूवर्ड्स लेकिन इमेच्योरिटी की वजह से या जो भी सिचुएशन है ना उसको सही तरीके से डील नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एडल्ट्स भी बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, अच्छे समझदार लोग भी, बड़ी उम्र के लोग भी जो हैं वो भी थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं। और लाइक यू नो जैसे जाने दे रहे हैं सिचुएशन को, खराब हो रही है तो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई, केयरलेस एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड व्यूअर्स मुझे आज आप लोगों की तरफ से भी ऐसा लग रहा है कि हालांकि आप लोग सोच रहे हो इस सिचुएशन के बारे में टाइम टू टाइम, लेकिन आप लोगों की जो इंटेंसिटी है वो पहले से काफी ज्यादा घट गई है। आप पहले जितना नहीं सोच रहे हो इस व्यक्ति के बारे में, और पहले शायद आपके मन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स आते भी थे या कुछ यादें आपको अच्छी भी लगती थी इस पर्सन की, लेकिन अभी आपके दिमाग में जो है वो ज्यादा
स्पेशली आज के दिन में मैं देख रही हूँ कि नेगेटिव मेमोरीज या नेगेटिव इमोशंस के बारे में भी आप सोच रहे हो, जो आप जिनका सामना आपको करना पड़ा है सामने वाले व्यक्ति के बिहेवियर की वजह से और इनके एक्शंस की वजह से, राइट? सो मुझे ऐसा लग रहा है जो बैड पार्ट है ना, जिसको हम लोग आमतौर पे अवॉइड कर देते हैं, आप उसके बारे में भी सोच रहे हो आज के दिन में, विच इज अ गुड पार्ट। अगर आप किसी इंसान के बारे में सोचते हो, किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, तो उसके हर एस्पेक्ट को कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा सिर्फ पॉजिटिविटी पे ध्यान देने से भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को बेकार की तसल्ली या उम्मीद के एक जाल में फंसा लेते हैं और फिर सालों तक लोग उसमें उलझे रहते हैं और फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं अपनी लाइफ में, तो वहां पर एक और ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। इसलिए जहाँ कुछ अगर आपको आपका दिमाग आपको कह रहा है, आपको समझा रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ बुरी हुई है आपके साथ में या ये सही नहीं है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। अपने दिमाग की बात को भी उतना ही सुनना है जितना आप अपने दिल की बात को सुनते हो। और ये शायद गाइडेंस आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए, ये गाइडेंस जो है ये सामने वाले पर्सन के लिए भी हो सकते हैं। यहाँ पे वर्गो केप्रिकॉन, टॉरस वर्गो केप्रिकॉन राशि वाले काफी सारे लोग हैं। मुझे बहुत स्ट्रांग अर्थ और फायर साइन वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस राशि वाले भी काफी सारे लोग हैं। सौ सौ से बहुत सारे लोगों का नाम है, सौ है, प है, शौ से बहुत सारे लोगों का नाम है। ओके, देन वी हैव द, डी भी दिखाई, द दिखाई दे रहा है मुझे एक्चुअली, द सो द से नाम हो सकता है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये अपनी एनर्जीज को शायद सही तरीके से आज के दिन में यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं इन जनरल। ये तो जनरल मैसेज आ रहा है इनकी एनर्जी को लेकर के, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, मे बी बेकार की चीजों में ध्यान लगा रहे हैं या फिर मिसगाइड हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ऐसा भी हो सकता है कि इनके आसपास में कोई ऐसा पर्सन है जो इनको मिसगाइड कर रहा है, जो कि दिखा रहे हैं कि इनके वेल विशर है, जबकि इनके वेल विशर है नहीं और इनको लाइफ में आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। एक तो जेलेसी ने आधे लोगों की लाइफ खराब कर रखी है, जेलेसी यहाँ पे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखाई दे रहा है। ओके फाइन, लेट्स सी आप लोगों के लिए, आई विल जस्ट शिफ्ट दिस बाउल थोड़ा सा साइड में और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम डिवाइन इस सिचुएशन को लेकर के। कोई हिंट, कोई मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, महादेव माँ भगवती प्लीज गाइड करें। वी हैव पावर लाइन्स, सो ये आमतौर पे जब हम लोग ट्रैवल करते हैं ये चीजें दिखाई देती हैं, ऐसे ये पोल्स दिखाई देते हैं, ये एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पे एनर्जी ट्रैवल कर रही है, कॉर्ड्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, 36 नंबर का ये कार्ड है। सो ये उम्र हो सकती है, 36 साल का कोई पर्सन है। मिरर रिफ्लेक्शन, जैसा आपके अंदर जो कुछ चल रहा है वही सारी चीजें जो है वो सामने वाले व्यक्ति के ऑरा में, उनकी एनर्जी में भी दिखाई दे रही है। एनर्जी मिररिंग यहाँ पे हो रही है। नेवर गिव अप, गिव अप करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, 24 नंबर का ये कार्ड है। 20 24, ये भी एज हो सकती है और ये डेट भी हो सकती है। फ्रेजेस एंड मोटिवेशन, इस साल में ना एक्चुअल में हमारा 2024 जो आ रहा है इसमें चल रहा है, आ कह रहा है, अभी तो शुरू हो ही है। सो जितना आप जर्नलिंग करेंगे, हम सभी के लिए जर्नलिंग अफर्मेशंस जो है वो बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। वी हैव मेडिकल स्टाफ एंड हीलिंग, हीलिंग किसी को जरूरत है हीलिंग की। 13 नंबर का ये कार्ड है, गुरुजी की ब्लेसिंग आई थिंक इस नंबर के साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है। गुरु नानक जी की ब्लेसिंग्स भी 13 नंबर के साथ में बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। अनलकी नहीं होता है ये, अगर आप लोग सोच रहे हो 13 नंबर को लोग अनलकी मानते हैं, मैं नहीं मानती हूँ, इट इज लाइक अ वेरी पॉजिटिव नंबर। सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, मेडिकल स्टाफ और हीलिंग, सो हो सकता है कोई डॉक्टर है, नर्स है या खुद से मेडिकल प्रोफेशन में है, ठीक है। ये हिंट भी हो सकता है आप लोगों के लिए और ये एक इंडिकेशन भी है कि हीलिंग की जरूरत है भाई, हीलिंग मे बी एनर्जी हीलिंग, एनर्जी हीलिंग। ओके, एनर्जी हीलिंग आप लोग कंसिडर कर सकते हो। बहुत सटीक आंसर आ रहे हैं। लेबरिंथ, यहाँ पर भी राउंड ऐसा है, इधर भी राउंड दिखाई दे रहा है। लेबरिंथ यानी कि भूल भुलैया, सो भूल भुलैया जर्नी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो मैं अभी यहाँ से कह रही थी आपको, एनर्जी जर्नी रिफ्लेक्शन, इस जर्नी के दौरान आप अपने अंदर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन करने वाले हो,
सेल्फ रिफ्लेक्शन करने वाले हो, अपने कर्मा के ऊपर देखने वाले हो, जब तक आप अपने कर्मा को नहीं सुधारोगे इस भूल भुलैया से बाहर नहीं निकल पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों हैं यहाँ पे, देख रहे हो, आप दोनों इस भूल भुलैया में कहीं ना कहीं उलझे हुए हो। सो ये कब होगा? पहले तो आप खुद को अपना रास्ता जब ढूंढ लोगे तब आप एक दूसरे से मिल जाओगे। वाह ब्यूटीफुल मैसेजेस, वाटर एनर्जी, वाटर रखा है हमारे पास पे साइड में, यहाँ पे सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। दिस इज नंबर 39। ये भी उम्र हो सकती है, 15 तारीख हो सकती है, 13 तारीख हो सकती है। होपफुली 13 और 15 साल के बच्चे नहीं देख रहे हैं ये रीडिंग, क्योंकि बच्चों के लिए रीडिंग नहीं है। 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए मैं पर्सनल रीडिंग भी नहीं करती हूँ, और ना ही मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग्स देखें। दिस इज योर टाइम टू स्टडी। सो इनकेस आप 18 ईयर्स से कम के हैं प्लीज अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। रेस्ट, वाटर एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड वाटर इज ऑल्सो लाइक वही मैसेज जो मैं आपसे कह रही थी, गोइंग विद द फ्लो। पानी ऐसा होता है कि जो ऐसा तत्व है जो किसी भी चीज में ढल जाता है, राइट, किसी भी शेप में ढल जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। पानी इवेपोरेट हो जाता है, बादल बन जाता है, वेपर बन जाता है, बॉयल हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। सो अपनी शेप को, अपने टेक्स्चर को, अपनी फॉर्म को चेंज कर सकता है परिस्थिति के अनुसार। ये संदेश जो है यहाँ पे, ये मैसेज जो है आपको मिल रहा है ईश्वर की तरफ से, आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। आज की वाली रीडिंग जो है इसको गाइज मैं यहीं पे क्लोज कर रही हूँ। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर से दे दीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे, और जो लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं प्लीज कनेक्ट हो जाइए। जो मैंने व्हाट्सएप चैनल का जो हमारा लिंक है वो मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आपको बस क्लिक करना है और फॉलो कर लेना है, एंड आप लोगों को वीकली अपडेट्स जो है मिलते रहेंगे। आपकी राशि के हिसाब से रीडिंग्स आपको मिलती रहेंगी रिटर्न में, और बहुत सारी रेमेडीज और भी कई सारी चीजें हैं जो मैं डेली शेयर करती हूँ, आप फॉलो करके खुद एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन नमस्ते, टेक केयर, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।